बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने देश के लिए जीता गोल्ड मेडल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन 2022 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बेटे की इस उपलब्धि पर आर माधवन भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने ट्वीट के जरिए ये जानकारी सभी के साथ साझा की। आर माधवन ने ट्वीट के जरिए बेटे की गोल्ड मेडल के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि चैंपियन वेदांत माधवन, इट्स अ गोल्ड फॉर इंडिया, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस से लेकर हर कोई वेदांत माधवन और आर माधवन को इस उपलब्धि पर बधाई संदेश अपने अपने अंदाज में भेज रहा है। खैर, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं स्पेशल रिपोर्ट पर। अभिनेता आर माधवन के 16 साल के बेटे वेदांत माधवन ने कोपेनहेगन में जारी डेनिश ओपन में पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि वाकई देश के लिए गर्व का विषय है। साथ ही आर माधवन के बेटे वेदांत का देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना इसलिए भी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां हम अक्सर देखते हैं कि कहीं पर स्टार किड्स ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए जाते हैं, तो कहीं नाइट पार्टीज में नशे में धुत देखे जाते हैं। ऐसी पार्टीज जहां पर जमकर ड्रग्स का सेवन किया जाता है, ऐसे में आर माधवन के बेटे का नाम इन तमाम चीजों में न आकर देश की उपलब्धि में शुमार होना वाकई गर्व का विषय है। अब इस उपलब्धि के बाद ये भी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में हम स्टार किड्स को देश की फोर्सेस में भी देखें, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो स्टार और स्टार किड्स जिन्हें हम अक्सर फिल्मी रोल्स में देश की सेवा करते हुए देखते हैं, उन्हें असल जिंदगी में भी जब हम हीरो की तरह देश की सेवा करते हुए देखेंगे तो गर्व की सीमा कुछ अलग ही होगी। आपको बता दें कि आर माधवन के बेटे की इस उपलब्धि पर स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। साथ ही कई यूजर्स ने भी आर माधवन के बेटे की इस उपलब्धि पर तरह तरह के बधाई संदेश ट्वीट्स के जरिए दिए हैं। आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं इन ट्वीट्स पर। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। साथ ही इस विषय पर आपकी क्या राय है वो भी आप रख सकते हैं, और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए टीएनपी स्पोर्ट्स के साथ।